एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर सीबीआई और आईटी का रेड। नोएडा के सेक्टर 19 के एक मकान में सीबीआई और आईटी ने रेड की है। कल देर शाम से रेड में सीबीआई और इनकम टैक्स दोनों की टीम कई दस्तावेजों को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि रेड के दौरान भारी संख्या में कैश बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस घर में दोनों विभागों ने रेड मारी है वहाँ नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के पूर्व सीजीएम डीके मित्तल और उनका परिवार रहता है। बताया जा रहा है कि मौके से दोनों विभागों को मिला कैश करोड़ों में है। भारी संख्या में कैश मिलने के बाद सीबीआई और आईटी द्वारा नोटों की गिनती के लिए मशीनें भी मंगाई गई है। कहा जा रहा है कि परिवार ने कैश को लेकर दावा किया था जिसको बाद में दोनों विभाग ने परिवार से कैश को लेकर दस्तावेज मांगे हैं। दोनों विभाग परिवार से पूछताछ कर रहे हैं, साथ ही अन्य दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि छापेमारी एनबीसीसी से जुड़े किसी पुराने मामले को लेकर की गई है या किसी अन्य शिकायत के बाद छापेमारी की गई है। वहीं जब हमने नोएडा पुलिस से छापेमारी के बारे में जानकारी की तो पुलिस ने बताया कि छापेमारी सीबीआई और आईटी द्वारा की जा रही है। पुलिस को शाम दोनों विभाग की तरफ से सूचना दी गई थी। हमारी टीम पूरा सहयोग कर रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।